चना जोड़ गरम, चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चना हाकिम सब खा जाते, सब पर दूना टैक्स लगाते। चना जोर गरम, चना जोर गरम। आधुनिकीकरण के इस दौर में लोगों के जीने का सलीका बदल गया है। रहन सहन के तौर तरीके तो बदले ही हैं, साथ ही बदल गया है खान पान का ढंग भी। शहर से लेकर गांव तक हर जगह फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी चाउमीन पिज्जा बर्गर चाव से खाते हैं। शहरों में जहां फास्ट फूड के बड़े बड़े स्टोर खुल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गांव के गली मोहल्ले बाजारों में भी चाट समोसा जलेबी जैसे फास्ट फूड के ठेलों पर खूब भीड़ इकट्ठा होती है। तैलीय पदार्थों के बावजूद भुने अनाज की देसी परंपरा अपना वजूद बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। शहर के बढ़ते चकाचौंध के साथ भुना अनाज भी अपनी एक स्थान बनाए हुए है। शहर के कोने में सिकुड़े सिमटे दुकानों पर स्वादिष्ट और कैलोरी युक्त एवं स्वास्थ्यवर्धक चबाने के ठेले पर खूब भीड़ इकट्ठा होती है। आम जन से लेकर खास लोगों के दोपहर तथा शाम का सस्ता नाश्ता भूंजा हो गया है। ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, ने अब से कर तू ना मंजू। क्या आँखों से है अंधा तू, फिर क्यों खाता है गंदा तू। ये बीमारी फैलाएंगे, फिर डॉक्टर को दे चंदा तू। अवॉइड द फास्ट फूड, अवॉइड द फास्ट फूड। ये संस्कृति के लिए खतरा है, जो देश के युवा में फैला है। तुम इनको थोड़ा साइड करो, अब फास्ट फूड को अवॉइड करो। अब देसी खाने खाओ तुम, पिज्जा बर्गर में न होना तुम। ये लूटने वाले होते हैं, इनके चक्कर में न लूटना तुम। मेरी इतनी बात समझ ले तू, इन फास्ट फूडों से रहना तू। ये हेल्थ के लिए। भुना अनाज मूलतः कृषि आधारित है, इसलिए भुना दाना लोगों के रोजमर्रा के भोजन में शामिल है और इसका जुड़ाव त्योहारों से लेकर संस्कारों तक है। लोग जहां सुबह शाम भुने चने लाई का सेवन करते हैं, वहीं मकर संक्रांति और नाग पंचमी जैसे त्योहारों पर चूड़ा लाई लडुआ तिलवा गुलैया जैसे व्यंजनों की खूब मांग होती है। ये व्यंजन मूलतः भुना अनाज से बने होते हैं। वहीं सत्तू भीगा चना मटर उबला चना चना मूंग मूंगफली जैसे भुने अनाज का भी दैनिक भारतीय व्यंजनों में बहुतायत इस्तेमाल होता है। गांव के लोग पहले क्या करते थे, खाना होना खाने के बाद दूसरी मीटिंग या दोपहर में यही अन्न भूजा का उपयोग करते थे। अब धीरे धीरे वहाँ भी बहुत बड़ी कमियाँ आ रही हैं। लोग कभी कभी त्यौहार वगैरह पर भी उसका उपयोग कर पाते हैं, या महीना 15 दिन जैसे खिचड़ी हुआ दीपावली हुआ, बीच में धीरे धीरे वो भी लुप्त होता जा रहा है। क्योंकि आज के लोग जो है फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फास्ट फूड से अपना पेट तो भर लेते हैं लेकिन उसमें तमाम बीमारियां आ जाती हैं। आधुनिकीकरण के चलते गाँव में लोगों की कृषि पर निर्भरता कम हुई है, जिससे गाँव में चबाने की मांग कम हो गई है। इस कारण रोजगार का कोई सहारा न होने से भूंजा समुदाय ने मजबूरी में शहरों का रुख किया है। शहर में आने पर इन्हें इनके पुश्तैनी हुनर से रोजी रोटी का तो सहारा मिल गया, लेकिन इनके जीवन का संघर्ष बढ़ गया। इनका जीवन 5x3 के ठेले पर सिमट कर रह गया। यही ठेला इनका दुकान और मकान सब कुछ है। जब पूरे शहर में लोग अपनी अपनी चार दीवारियों के अंदर चैन की नींद सोते हैं, तब ये
भूंजे वाले सुनसान सड़कों के किनारे भय के साए में रात गुजारते हैं। तो जब गाँव में इसका प्रभाव कम हुआ, इसकी मांग कम हुई, तो जब मांग कम हुई तो बेरोजगारी स्थिति में जो है वह युवा पीढ़ी जो है शहरों के तरफ पलायन की। हालांकि शहरों में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि गाँव में तो उनको एक घर मिल जाता था, वहाँ पे बैठ के सारी चीजें करते थे। हम लोग मजबूर हैं, गांव में इतना पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ ऑफिस है, कचहरी है, सब अपना रोजी रोजी कमा लेते हैं। अब गांव में कौन, गांव वाले तो खुद ही परेशान रहते हैं, ऊपर एठा खा चले जाते हैं और दिन में खाना खा लेते हैं, दाना कौन खाएगा। कंपनी वाल लाई के का या दुकान पे भेज देते हैं, भुजवा लोग कहाँ जाए, नोट आए का ये कंपनी के लेगा, दस लेबर खटत हैं, अब हम सब कहाँ जाए, हम के दस लेबर लेबर खटाओ तो कहाँ से दे। यदि आप फुटपाथ पर ठेला लगाकर भूंजा बेचने वालों की दुश्वारियों और उनके कड़े परिश्रम वाली दिनचर्या को समझना चाहते हैं तो मानिक चंद दादा से मिलिए। जंघई के रहने वाले मानिक चंद इलाहाबाद शहर में रहकर यूनिवर्सिटी के पास 30 सालों से भूंजे का ठेला लगाते हैं, इसी से इनके परिवार की जीविका चलती है। दिल नहीं होता है लेकिन क्या करूं, ना करूं तो परिवार हमारा कैसे चले, परिवार का पालन पोषण हम कैसे करें, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कपड़ा ओढ़ना कहां से लाएं, इसके बाद में औरत है उसको कहां से लाएं। मानिक चंद रोज सुबह 4-5 बजे से ही भूंजा बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। भूंजा बनाने की तैयारी और स्वयं के भोजन का बंदोबस्त करते करते 9:30 बज जाते हैं। इसके बाद मानिक चंद अपने ठेले को ठेलते हुए यूनिवर्सिटी के पास पहुंचते हैं। इस बीच सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक वृद्ध मानिक चंद को खड़े खड़े ही भूंजा बेचना पड़ता है। फुटपाथ पर ठेला लगाने के कारण इनको नगर निगम के उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। निगम आ गई, वो भी परेशानी हमारे ऊपर डालती है कि कहीं न रहने पर ठेला तोड़ देगी, कहीं किसी न किसी प्रकार से परेशानियां हमेशा होती हैं। जो नए नए व्यवसाय हुए हैं थोड़ा बहुत इधर उधर वो भी दाना पानी भिजा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, हर प्रकार से परेशानी हमको दिक्कतें है रोड पर। इतनी कठिनाइयों के बीच सैकड़ों शहरियों को बहुत ही कम कीमत पर जलपान कराने वाले मानिक चंद जैसे लोगों को स्मार्ट सिटी में कोई उपयुक्त स्थान ना होना कहां तक उचित है।
चंद गुप्ता जो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण शहर में लाई चना बेचकर करते हैं, लेकिन कोयले के धुएं, नमक तथा आग की जलन के कारण अधिक दिनों तक काम नहीं कर पाते। ऐसे में इस शहर में सिर्फ 15 दिनों तक भूंजे का कार्य करते हैं। इसके बाद 15 दिनों के लिए इनका बेटा इसी ठेले पर काम करने आता है। मिलकर के 10 दिन हम रहते हैं, 10-15 दिन तक बेटा रहता है। नहीं रहने से ऐसा रेगुलर नहीं कर पाते हैं। इसका जो धुआं निकलता है कोयले का, उससे जो है सांस फूलने लगता है, दिमाग बीमारी हो जाता है, खांसी आने लगता है, इसलिए जो है 10-10 दिन रुक कर। देखो अभी लड़ गया था ठेला, ये देखो टूट गया है, ये देखो टूट गया है, बच्ची फूट गया, गाड़ी ठोक गया। लैला हमारो सुधिया रे विदेशिया, ये समाना करे मोरा खाई जहर मारी जाईती कि मिटी जाईती बरा हो। शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर घर होने के कारण ज्यादातर घर ट्रेन से आते जाते हैं। गांव की स्टेशन से घर की दूरी कम होने पर पैदल जाते हैं। इस दौरान गांव के जो लोग इनसे मिलते हैं उनसे हाल चाल जुहारी करते हुए पहुँचते हैं। यही गृहस्थी के कार्यों में लग जाते हैं। वही घर के लोग इनका खूब आदर सत्कार करते हैं। कई दिनों के बाद गांव आने पर अपने गांव के लोगों से मिलने तथा हाल चाल लेने निकल जाते हैं। इरलिया बैरे पिया के लिए जाय रे, इरलिया बैरी अरे जौने टेसन पिया टिकट कटई है, जौने टेसन पिया टिकट कटई है, पनिया बरसाए टिकट गली जाय रे, पनिया बरसाए टिकट गली जाय रे, इरलिया बैरन। शहर में जहां ठेले पर भूंजा मिलता है तो वहीं कई स्थानों पर भूंजा की अस्थाई दुकानें हैं। शहर के कटरा, आपामऊ और चौक जैसे कई इलाकों में दर्जनों परिवार पीढ़ियों से भूंजा बेचने का कार्य करते हैं। इन दुकानों पर ताजे गरम लाई चने के साथ साथ सत्तू, चना एवं भुने अनाज से बने अन्य व्यंजन भी मिलते हैं। यहाँ से चबाना चबाने के शौकीन खूब खरीदारी करते हैं। हालांकि इन भूंजे वालों की स्थिति ठेले पर भूंजा बेचने वालों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है। हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी थे, उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर हम लोग भी अपनी इसी कारोबार में लग गए, कहीं कोई नौकरी मिली नहीं, प्रयास किए थे। लोगों के लिए भी भूंजा बनाने का कार्य आसान नहीं है। गर्मी में भार यानी बड़ी भट्टी पर चबाना भुनना किसी सजा से कम नहीं। शहर के संपन्न इलाके में भी भूंजे की खूब मांग है। यहीं एजी ऑफिस के सामने रोड के किनारे ओम प्रकाश 25 वर्षों से
चबैना बेचते हैं। इनके गर्मा गर्म कुरमुरे तथा स्वादिष्ट चबैने के सभी दीवाने हैं, जिसके कारण इनकी लोकप्रियता खूब है। पहली बात है, सस्ता है और सुलभ है, और कई लोगों को एक जोड़ने का, एक समरस जीवन जीने का एक कारण है। इसको खा रहे हैं हम, ये नहीं तय है कि बाबू साहब हैं, हम यादव जी हैं, आप पंडित जी हैं, सब लोग एक ही ठोंगे में खा रहे हैं। समोसा है 5 रुपये का, समोसा लिए एक आदमी खाएगा, और लाई चना मूँगफली 20 रुपये के लिए सब खा रहे हैं। सस्ता तथा कैलोरी युक्त होने के कारण शहर के आम जन से लेकर खास लोग बड़े चाव से इनका भूंजा खाते हैं। वहीं बड़े बड़े कार्यालयों, एजी ऑफिस, पुलिस मुख्यालय, हाई कोर्ट के साथ ही इनके भूंजे की मांग विदेशों तक है। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? इसको बैंक में ले जा रहे हैं। बैंक किसने मंगाया है? ये मैनेजर साहब मंगाया है। तो रोज मंगाते हैं? हाँ, रोज मंगाते हैं। उन्हें जो लोग जानते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो भूजे का इस्तेमाल करने से वो सेफ है, फास्ट फूड खाने से सेफ नहीं है, बिकॉज उसमें जो तेल की मात्रा, जो तेल इस्तेमाल होता है, उसमें ट्रांसफैट होता है, और ट्रांसफैट जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम तो करती, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम उससे आती है, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं लोगों को तेज़ी से, वो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से, इसलिए लोग भूजे की तरफ, इस तरह की चीज़ें से थोड़ा सा खा करके बस वो पेट भी। भूंजे की मांग अधिक होने के कारण ये सुबह 8 बजे से लेकर देर रात 11 बजे तक भूंजा बेचते हैं। 11:30 बजे सर, हम 11:30 बजे 12:15 बजे सो रहे हैं, या सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक उठ जाते हैं, और सर ज़्यादा रात हो जाता है तो फिर डर तो रोड पर ही है, फुटपाथ पर रहते हैं तो और क्या बताएं आपसे, कितना डर लगता है रात में कोई आ जाए ऐसे आदमी, फालतू आदमी। अरे सर वो तो पियक्कड़ से जानते हो, अभी आजकल फैशन हो गया है दारू का। हाँ, दारू वाले अगर चट्टे दूर से चट्टे आ गए तो हड़प्पा नहीं जमा देते हैं। हाँ, इस वजह से सब काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो पैसे बचाने के चक्कर में कड़ाके की ठंड हो, धूप हो या बरसात, ये अपना जीवन रोड के किनारे इसी ठेले पर बिताते हैं। शहर का संपन्न इलाका होने के कारण जब भी VIP लोगों का आगमन होता है, शहर को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में नगर निगम द्वारा इनके जैसे सैकड़ों रेडी पटरी वालों को हटा दिया जाता है। ये हफ्तों रोजी रोटी के लिए भटकते हैं। सर पहले तो नगर निगम से परेशानी, दूसरा चीज़ तो मानते हो फुटपाथ पर रहने वालों के लिए हर समय के लिए परेशानी करता है। 2 दिन पहले से, दिन पहले से क्या होता है? अरे भाई उनको रोड साफ चाहिए तो सब दुकान हटा लेते हैं, तम भी हटा लेते हैं, क्या करें, हम तो यहाँ खड़ा रहेंगे। उस समय क्या होता है, कहाँ रहते हैं? दूसरे रोड पर चले जाते हैं, दूसरे रोड पर चले जाते हैं कुछ सर सामान लेकर। कितनी परेशानी होती है? अब परेशानी बहुत होती है, लेकिन क्या किया जाए। उन जब आई गए तब सब परेशानी आ गई, तब सब भाग पड़ जाते एक जो ना ना भगवत जो पही तही तो उठाई उठाई ले गई। एक कुछ तोड़ ताड़ दे तो कहाँ फायदा मिले। एक नाते से भैया चला जो भाई भाग जा, बाद में आया देखी जाए। हमारे भारतीय संविधान में जीने का अधिकार तो इन्हें भी दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है और हम मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। भूंजा तो मिलेगा, लेकिन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल स्टोरों में।